आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा जेल में लिखे जनता के नाम संदेश को कार्यकर्ता पैम्पलेट्स के जरिए घर घर पहुंचाएंगे। संजय सिंह अपने जेल पत्र से जनता को अवगत कराएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। जेल पत्र में उल्लेख है कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज को अपनी आवाज दी, मोदी अडानी के भ्रष्टाचार की पोल खोली। किसान, नौजवान, कर्मचारी, दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग के लोगों की आवाज को सड़क से सदन तक बेखौफ होकर उठाया और आखिरी सांस तक आगे भी उठाता रहूंगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है, बिना समन के साजिश उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2024 में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं, इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ईडी भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसलिए सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले समन तक नहीं भेजा गया। भाजपा की फितरत रही है, जहां जनता वोट नहीं दे रही है वहां विपक्ष के नेताओं को ईडी से गिरफ्तार करा लो। संजय सिंह लगातार मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क को लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने अडानी के घोटाले के साक्ष्य ईडी के सामने प्रस्तुत करे, लेकिन ईडी ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए मोदी के दबाव में आकर संजय सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद जिला महासचिव सर्वेश यादव ने कहा, संजय सिंह के खिलाफ ये मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह की फर्जी गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता में भारी गुस्सा है। जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश सांसद संजय सिंह के साथ खड़ा है। मोदी की तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। इस तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिला महासचिव सर्वेश यादव ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। संजय सिंह को गिरफ्तार करने के मकसद से अचानक जबरन सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। 12 घंटे चली ईडी की रेड में संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, बिना सबूत के ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अरुण कुशवाहा, निखिल भारतीय, अमन कुमार मौजूद रहे। मोदी जी का एक डिपार्टमेंट है, इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, जिसको आप ईडी के नाम से जानते हैं, ये संजय सिंह जी को गिरफ्तार करती है, ले जाती है, रिमांड पे लेती है। इनको 8 दिन में संजय सिंह से केवल 3 घंटे बात करती है, 7 लोगों से मिलाने की बात होती है, जिसमें से जब न्यायालय में उनको पेश किया जाता है संजय सिंह जी को, तो वहाँ पर संजय सिंह जी का बयान होता है कि 8 घंटे में 3 दिन हमसे केवल ईडी बात की है, 7 लोगों का नाम बता रहे थे, 1 लोगों से मुलाकात कराई। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को प्रताड़ना दे रहे हैं इस बात के लिए कि कुली की बात उन्होंने उठाई, टीटी की, नौजवानों की, किसानों की, छात्रों की, महिलाओं की, सबकी जनहित की बात सड़क से सदन तक उठाते रहे। और संजय सिंह कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को बहुत तगड़ी मजबूती दे रहे थे, इसलिए मोदी जी घबरा के संजय सिंह जी को ईडी के दबाव में, ईडी के माध्यम से संजय सिंह की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और संजय सिंह इस उत्तर प्रदेश के माटी के लाल हैं, शेर हैं, वो दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उनके एक एक सिपाही, अपनी जान उनके लिए देने के लिए तैयार हैं। 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद 27 तारीख को हम पूरा उत्तर प्रदेश दिल्ली की कूच करेगा। सर्वेश यादव, जिला महासचिव, आप प्रयागराज। देखिए, सांसद संजय सिंह जी ने जेल से हम कार्यकर्ताओं के लिए और देश के नाम एक संदेश भेजा है, उसको लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने बताया कि कैसे ये अरोरा बंधुओं ने उनके ऊपर इसके पहले जो बयान दिया था 14 बार, लेकिन सांसद संजय सिंह जी का कोई भी नाम नहीं लिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सांसद संजय सिंह जी को आरोपी बना दिया ईडी ने। उनको गिरफ्तार किया, उनके घर पर तलाशी लिया, बगैर कोई वारंट के, बगैर कोई लिखा पढ़ी के उनको उठाकर लेके चली गई। और उसके बाद अभी तक ये नहीं बताया कि उनके घर से क्या निकला, उनके पास क्या पाया ईडी ने। कोई तो जांच किया होगा, कुछ उन्होंने चेक किया होगा, तब तो फिर एक सांसद के घर पर छापा मारा होगा। सांसद संजय सिंह जी का जुर्म सिर्फ इतना है
कि वो लगातार अडानी और मोदी जी के संबंधों को उजागर करते रहे हैं, अडानी के घोटालों को उजागर करते रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अडानी के पोर्टों में हजारों हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन उसके ऊपर आरोप उनके ऊपर ना कोई ईडी छापा पड़ता है, ना सीबीआई छापा पड़ता है, लेकिन सांसद संजय सिंह जी के यहाँ सिर्फ इसलिए छापा पड़ जाता है क्योंकि अरोरा बंधुओं ने उनके खिलाफ बयान दिया है। संजय सिंह ने पत्र जारी किया, उसको कब आप सबके सामने? इस पत्र के जरिए हम लोग खुलासा करेंगे कि क्यों विपक्ष के लोगों को मोदी जी की सरकार डरा रही है, धमका रही है और उनको जेल डाल रही है, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगा रही है। इंडिया एयरलाइंस से वो जो है डरी हुई है और हम लोग सब अपनी बातों को घर घर तक लेके जाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये खास वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।